दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से जीव हैं जो लोगों को हैरान करते हैं। खासकर समुद्र में रहने वाले कई जीव तो ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादातर लोगों ने देखा तक नहीं होता। इन्हीं में से एक होता है आइसोपॉड, जो गहरे समुद्र में रहता है। ये कुछ कुछ कॉकरोच की तरह दिखते हैं, लेकिन ये कॉकरोच से कई गुना अधिक बड़े होते हैं। इनकी कदकाठी देखकर लोग डर जाते हैं। बड़े होने के कारण इन्हें सुपर जायंट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। जीनस बाथिनोमस प्रजाति का ये जीव आमतौर पर 33 सेंटीमीटर तक बड़े होते हैं, जबकि कुछ कुछ तो 50 सेंटीमीटर तक भी बड़े हो सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में अब तक सुपर जायंट आइसोपॉड की सिर्फ 7 ही प्रजातियां वैज्ञानिक ढूंढ पाए हैं। यह जीव ठंडी जगह जैसे कि पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन ओशन की गहराइयों में पाए जाते हैं। ये सुपर जायंट आइसोपॉड्स इतने बड़े क्यों होते हैं, इसको लेकर कई तरह की बातें की जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये समुद्र के बहुत नीचे रहते हैं, इसलिए बड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें कम खतरा होता है। यह ज़्यादातर ब्राउन कलर के होते हैं। यह समुद्र की सतह से 170 मीटर से 2140 मीटर की गहराइयों में रहते हैं। आइसोपॉड्स की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम बैथिनोमस जेजेंटियस है। वे ज़्यादातर 3.25 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाले पानी में ही पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सुपर जायंट आइसोपॉड्स के शरीर में मांस बहुत ही कम होता है, इसलिए समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े जीव आमतौर पर इनका शिकार नहीं करते, जबकि इनका खाना समुद्र के अंदर मरे हुए जीव होते हैं। इसके अलावा वे छोटी मछली, केकड़े, झींगा का भी भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह जीव प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में करीब 4 से 5 साल तक बिना कुछ खाए भी जिंदा रह सकते हैं। जाइंट आइसोपॉड के पास 2 एंटीना होते हैं, जिसमें से स्मॉल एंटीनास का प्रयोग वह केमिकल फेंसिंग के लिए करते हैं, वही लार्ज एंटीना का प्रयोग वह फिजिकल फेंसिंग के लिए करते हैं। फीमेल आइसोपॉड्स 20 से 30 अंडों को अपने स्टमक में रख सकती है। यह अंडे करीब 13 mm डायामीटर के होते हैं। इन सुपर जाइंट आइसोपॉड्स की बड़ी बड़ी आँखें होती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये रात में भी आसानी से और साफ साफ देख लेते हैं। इनकी आंखें हाईली रिफ्लेक्टिव कंपाउंड से बनी होती है। वैसे ये जीव देखने में खतरनाक तो लगते हैं, लेकिन असल में ये उतने खतरनाक नहीं होते। अभी तक मिली इन्फॉर्मेशन और फॉसिल रिकॉर्ड के आधार पर वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह जीव 107 मिलियन सालों से समुद्र में निवास कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप हमारी प्रीवियस वीडियोस नीचे क्लिक करके देख सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे फिट, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।